हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम ये जो ऑर्डर मॉडल है हमारा उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये जो ऑर्डर मॉडल है यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर एडमिन दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आए पेड का, और यहाँ पर अगर कोई ने किसी ने पेड नहीं किया तो वो जो उसका बुलियन फील्ड था वो अनटिक होगा। अगर कोई यूज़र ने पेड कर दिया है तो उसका जो बुलियन फील्ड है वो ट्रू हो जाएगा, और उसकी जो ईमेल है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखानी है। और यहाँ पर एक सर्च फील्ड भी हमें चाहिए, कोई यूज़र को हमें अगर सर्च करना है तो किस तरीके से करें। तो यूज़र को सर्च करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्च फील्ड को क्रिएट करेंगे। तो चलिए, ये सारा काम सारा बैकएंड का काम है, तो उसके लिए हम ये जाना पड़ेगा admin.py में। तो जो हमारी ऐप है, तो हमारी ऐप का नाम है स्टोर ऐप। तो ये स्टोर ऐप के अंदर admin.py होगा, तो वो admin.py को हम करेंगे ओपन। और इसके लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने इसके लिए कोई क्लास क्रिएट की हुई है नहीं। तो ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर एडमिन क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमने ट्यूबलर इनलाइन के लिए इसको यूज़ किया था। ये जो दो टेबल थे उसको एक करने के लिए हमने ये क्लास क्रिएट की थी। तो इस हमें दूसरी क्लास क्रिएट नहीं करनी, हमें सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट डिस्प्ले। तो लिस्ट डिस्प्ले में हमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए मैं models.py ओपन करूँगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कौन कौन किस चीज़ को हमें डिस्प्ले कराना है। तो यूज़र को कराना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम को, तो मैं इसको पास पास रख देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरीके से वो दिखाई दे और इसका यूज़ कर सके। जो भी यहाँ पर फर्स्ट होगा वो लिंक हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑर्डर है, तो ये जो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ रहा है तो वो लिंक बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई और चीज़ पहले रखोगे तो वो लिंक बन जाएगी। तो ये लिंक बन गई, तो ये फर्स्ट नेम। फिर हमें चाहिए कंट्री नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं, सिटी नहीं, पोस्ट कोड, यहाँ पर उसका ईमेल और फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले फ़ोन नंबर लेंगे और फिर ईमेल को यूज़ करेंगे, फ़ोन, और यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। अब यहाँ पर आएगा पेमेंट आईडी, पेमेंट आईडी को भी हमें दिखानी है। यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट आईडी, और लास्ट में हम रखेंगे पेड है या नहीं। हम यहाँ पर डेट भी रखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी डेट में ये ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर रखेंगे डेट। तो अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जो हमारा एडमिन पैनल है वहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। तो ये मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो ऑर्डर है वो पेड है, इसने पेड किया हुआ है, इसने ऑनलाइन पे किया हुआ है, इसलिए इसका जो टिक है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और उसकी जो पेमेंट आईडी है वो भी, ये दोनों ऑर्डर की अलग अलग है, तो उसके भी ये पेमेंट आईडी भी यहाँ पर हमें मिल रही है, उसका फ़ोन नंबर मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमें मिल रही है। अब यहाँ पर हम एक सर्च फील्ड को क्रिएट करेंगे। तो सर्च फील्ड को क्रिएट करने के लिए लिखना है सर्च फील्ड इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर क्या क्या सर्च कराना है। तो सर्च कराएंगे फर्स्ट नेम, उसकी ईमेल से नहीं कराना हमें, ऐसा करते हैं ईमेल से भी इसको सर्च करा देते हैं। और पेमेंट आईडी, पेमेंट आईडी, तो इन तीन फील्ड से हम उसको सर्च करा सकते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक सर्च फील्ड आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये सर्च फील्ड आ गई। तो मेरी जो पेमेंट आईडी है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करूँगा तो सिर्फ मुझे वही आईडी मिलनी, वो जो प्रोडक्ट है वही मुझे यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम जेंगो की जो एडमिन पैनल है उसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।